हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ने वाले हैं सेवंथ क्लास की एक पोम और उसका नाम है द सेंट, जो रचित की गई है फ्रैंकलिन के द्वारा। और सबसे पहले जान ले कि सेंट का मतलब क्या होता है। सेंट का मतलब हो सकता है जैसे काउ शेड होता है, टीन शेड होता है। काउ शेड जिसे जिसे उसमें गायों को रखा जा सकता है, टीन शेड में हम अपना कुछ सामान वगैरह रख सकते हैं। और उसके अलावा शेड जो होता है उसे स्टोर रूम की तरह भी हम काम में ले सकते हैं। इसमें कोई भी हमारे घर का पुराना सामान यहाँ रख सकते हैं। परंतु इस कविता में कवि जो है वो किस तरह की शेड के बारे में बात कर रहा है वो हम लोग देखते हैं। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले पोइम को देखते हैं। देयर इज ए सेट एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद ए स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। आई विल ओपन दैट डोर वन डे। पहली लाइन में कवि कह रहा है देयर इज ए सेट एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन। कवि ये कहना चाह रहा है कि मेरा जो बगीचा है उस बगीचे के जो अगला जो हिस्सा है वहां पे एक शेड बना हुआ है विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और उसका जो दरवाजा है उसके पास मकड़ी का जाला लटका हुआ है। अब मकड़ी का जाला लटका हुआ है इसका मतलब ये है कि वहां पे काफी समय से ना कोई जाता है ना कोई आता है, क्योंकि जिस समय पे हम बहुत ज्यादा आते जाते नहीं है, साफ सफाई नहीं करते हैं, वहीं पे मकड़ी के जाले होते हैं। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। हिंजेस का मतलब होता है जिस तरह से मकान में जब हम दरवाजे बनाते हैं तो उन दरवाजों को जोड़ने के लिए जो लोहे और स्टील की जो क्लिप लगाते हैं उन्हें हम लोग हिंजेस बोलते हैं, जिसपे दरवाजा टिका हुआ रहता है। तो इसकी जो हिंजेस हैं वो रस्टी हैं, उनमें जंग लग चुका है। एंड क्रीक इन द विंड, और जब भी हवा चलती है तो वो कराते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अजीब डरावनी आवाज वो पैदा करते हैं। व्हेन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। जब भी मैं बेड में होता हूँ, बिस्तर पे होता हूँ, आई लाई मैं लेटा रहता हूँ, एंड आई लिसन तो मैं ये आवाजें सुनता रहता हूँ। आई विल ओपन That door one day, और मैं एक दिन अवश्य ही इस दरवाजे को खोलूंगा और देखूंगा कि अंदर क्या है। There is a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. I often think there is someone staring at me each time that I pass. I will peek through that window one day. कवि यहाँ कहना चाह रहा है कि इस शेड की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहां पे क्या है, डस्टी ओल्ड विंडो, डस्ट से भरी हुई, धूल से भरी हुई एक पुरानी खिड़की है जो एक तरफ लगी हुई है। विद थ्री क्रेक पैंस ऑफ ग्लास, और उस खिड़की के जो तीन कांच है वो क्रेक हो रखे हैं, टूट रखे हैं। आई ओपन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। अक्सर मैं सोचता हूँ कि वहां कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई है जो मुझे स्टेयर कर रहा है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, वहां से मुझे कोई घूर रहा है। Each time that I pass, जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे वहां से घूर रहा है। आई विल पीक थ्रू दैट विंडो वन डे, और एक दिन मैं उस विंडो से, उस खिड़की से पीप थ्रू करूंगा। पीप का मतलब झांक के देखना, कि मैं भी उसमें से झांक के देखूंगा कि उसके अंदर क्या है। यहाँ कभी कहना चाह रहा है कि मेरा जो शेड बना हुआ है गार्डन में वहां पे क्या है, एक खिड़की है, उसके कांच टूटे हुए हैं और मुझे लगता है उसमें से मुझे कोई देखता है जब भी मैं वहां से गुजरता हूँ। और एक दिन मैं उसके अंदर से झांक के देखूंगा कि उसके अंदर क्या है। My brother says there is a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. But I will take a peek one day. My brother says there is a ghost in the shed. मेरा भाई कहता है इस शेड के अंदर एक घोस्ट है,
एक भूत है who hides under the rotten floor boards, जो छिपा हुआ है, रोटन जो खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं, फर्श जो जमा हुआ है उसके नीचे जो सड़ चुके हैं उसके अंदर वो छिपा हुआ है. एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और कभी भी मैंने अगर इतना डेयरिंग की साहस किया कि अपना कदम वहां रखा, ही विल जंप आउट, वह बाहर उछल के आ जाएगा. एंड चॉप ऑफ माई हेड, चॉप ऑफ का मतलब काट देना, और मेरे सिर को काट देगा. बट आई विल टेक ए पीक वन डे, पीक का मतलब वही लुक छिप के देखना, झांकना, लेकिन मैं एक दिन जरूर झांक के उसमें देखूंगा. यहाँ कवि अपने भाई के बारे में बता रहा है कि मेरे भाई ने बताया है कि इस सेट के अंदर एक भूत छिपा हुआ है, और अगर तुमने कभी भी इसमें पैर रखा तो वो क्या करेगा, भूत के बाहर निकल के आ जाएगा और तुम्हारे सिर को काट देगा. लेकिन फिर भी कवि कह रहा है कि मैं एक दिन जरूर वहां जाके देखूंगा, जरूर झांक के देखूंगा. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises. And the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I will go into that shed one day soon, but not just yet. यहाँ कभी कहना चाह रहा है, I know that there isn't really a ghost. मैं जानता हूँ कि इस शेड में कोई भी ghost, कोई भी भूत नहीं है. My brother tells lies to keep the shed for his den. मेरा जो भाई है मुझसे लाई झूठ बोलता है to keep the shed, इस शेड को for his den, अपने स्टोर रूम, अपनी गुफा बनाने के लिए इसे उसने रख रखा है. वो मुझसे छिपाना चाहता है, खुद इसे काम में लेना चाहता है. There isn't anyone staring or making strange noises. यहाँ कोई भी नहीं है जो स्टेर यानी घूर रहा है या स्ट्रेंज नॉइजेस अजीब अजीब आवाजें कर रहा है. एंड द स्पाइडर हैज बीन गोन फ्रॉम हिज वेब, और जो स्पाइडर है, जो मकड़ी है, वो भी अपने जाले से जा चुकी है. सिंस आई डोंट नो व्हेन, और पता नहीं कब का ये सब हो चुका है. आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून, और जल्द ही मैं एक बार उस शेड के अंदर जाके देखूंगा. बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी जाके नहीं देखूंगा. इसका मतलब कवि कह रहा है कि मैं जानता हूँ उसमें कोई भूत नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा भाई मुझसे झूठ बोलता है, वो इस शेड को खुद काम में लेता है, और मैं जानता हूँ मुझे वहाँ कोई नहीं घूर रहा, कोई अजीब आवाजें वहां से नहीं आती है, मकड़ी भी वहां से जा चुकी है, और कब से मैं इसे देख रहा हूँ वहां पे कुछ भी नहीं है. एक दिन मैं जाऊंगा अवश्य ही वहां पे, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊंगा. इस कविता में कवि हमें कहना चाह रहा है कि मेरे घर के अंदर जो बगीचा है, वहां पे जो शेड बना हुआ है, वो बहुत डरावना है, और उसके खिड़की के कांच भी टूटे हुए हैं. मुझे लगता है कि मुझे वहां से कोई देख रहा है, परंतु मैं नहीं जानता कि ये सच है या नहीं है. मेरे भाई ने भी मुझे इस बारे में डरा रखा है कि वहां मत जाना, वरना भूत आके तुम्हारा सर काट देगा. मैं जानता हूं कि मेरा भाई मुझसे झूठ बोल रहा है, और वो इस शेड को अपने काम के लिए ले रहा है. मैं एक दिन वहां जरूर जाके देखूंगा, लेकिन साथ ही साथ कवि को डर भी लग रहा है कि अगर मैं वहां गया तो कुछ हो सकता है. इसलिए कवि अंत में कहता है कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, पता नहीं मैं कब जाऊंगा, परंतु मैं जाऊंगा अवश्य. दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.